एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रैप टू फैब। सो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द टाइटल कि आज का वीडियो बहुत ही ग्लोई क्लियर हेल्दी स्किन के ऊपर होने वाला है और ये एक होम DIY पैक है एंड मैं आपको श्योर करती हूँ 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। ये पैक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्लॉलेस इफेक्ट देगा आपको एंड ये 7 डेज चैलेंज है। तो आज संडे है, सो फ्रॉम दिस संडे टू नेक्स्ट संडे यू हैव टू डू दिस एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आप इसे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, जो करना है वो बताने वाली हूँ मैं। वो आपको बस रात को वो निकाल के साइड रख दीजिए, सुबह उठिए, मिलाइए, पैक लगाइए, 30 मिनट्स छोड़ दीजिएगा, फिर प्लेन वाटर से वॉश करना है। नो फेस वॉश, आपको कोई भी सोप फेस वॉश कुछ भी फेस पे नहीं देना। हाँ, इफ़ यू आर थिंकिंग इट्स टू मच हैवी और लाइक डे के एंड में आपको लग रहा है कि नहीं आपको फेस वॉश करना है, तो आप बहुत ही लेट इवनिंग या फिर नाइट में वॉश करें, पूरा दिन भर आप इसे ऐसे ही रहने दें पैक को जस्ट वाटर से वॉश करने के बाद। सो आई एम यूजिंग दिस पैक एवर सिंस आई वॉज बॉर्न, आई वॉज ऑन दिस अर्थ। तब तो मैं छोटी थी तो मम्मा यूज़ करती थी मेरे ऊपर, बट आई डू इट माई सेल्फ। सो द मेन इन्ग्रीडियंट, द हीरो, द वॉट एवर यू से, द मेन रोल प्ले ऑफ दिस पैक इज बेसन। येस, ग्राम फ्लोर, जो आप सभी के घर में होगा, सबके घर में बेसन तो होता ही होता है, तो इसका जो मेन हीरो है वो है बेसन। सो इफ़ यू हैव नोटिस, जब आप बॉर्न होते हो, जब कोई भी आप देखते हो बेबी बॉर्न होता है, तो बेसन तभी भी यूज़ होता है उसे वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए। जब आप कोई वेडिंग सेरेमनी के लिए रेडी होना होता है, देन ऑल्सो बिफोर दैट यू यूज़ बेसन पैक, बिकॉज वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, ब्राइटनिंग लाइटनिंग इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्सो ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी हल्दी रसम होता है, उसमें भी हल्दी एंड बेसन का पैक ज़रूर अप्लाई किया जाता है। क्यों? ताकि दुल्हन और ज़्यादा सुंदर दिखे। एंड ऑल्सो ओल्ड एज पीपल यूज़ दिस फॉर एंटी एजिंग और यूथफुल दिखने के लिए, सब कुछ के लिए। सो बेसन ओवरऑल आपको इसके लिए जितना भी बोलूँ ना बहुत कम है, आप रिसर्च भी खुद से कर सकते हो। बेसन इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर स्किन, फॉर वो सब चीज़, ये सब कुछ क्लियर करता है, ब्राइटन करता है, पोर्स लाइट करता है, ब्लैकेज रिमूव करता है। इट्स अ हीरो ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन। ओके, सो इन दिस पैक आई एम गोइंग टू यूज 3 थिंग्स, सारे के सारे आपके घर में मिलेंगे, डोंट वरी, सारे आपको घर पे मिल जाने वाला है। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली बेसन, दैट इज ग्राम फ्लोर, सेकेंड इज टर्मरिक हल्दी, एंड थर्ड इज लेमन जूस और मलाई। इफ़ यू आर ऑयली स्किन, गो विथ लेमन जूस, इफ़ यू आर ड्राई स्किन, गो विथ मलाई। सो आई यूज मलाई मोर ऑफन एंड माई स्किन इज नॉट टू ड्राई इवन, सो समटाइम्स आई कीप ऑन स्विचिंग, समटाइम्स आई यूज लेमन जूस, समटाइम्स आई यूज मलाई, सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो लेट्स क्विकली जम्प इन टू द वीडियो एंड सी द होल प्रोसेस एंड वॉच मी अप्लाइंग। ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो राइट नाउ विच आई एम शूटिंग इज आफ्टर माई बाथ। सो इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर माई बाथ आई हैव अप्लाइड दैट फेस पैक एंड आई अप्लाई इट यूजली इन मॉर्निंग टाइम्स ओनली, जस्ट अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम है इधर उधर का सारा आधे घंटा सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ विदाउट यूजिंग फेस वॉश। सो अभी मैंने कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं किया, इट्स नथिंग, इट्स माई बेयर स्किन, जस्ट सनस्क्रीन है एंड लिप बाम है, नो ब्लश, नो BBCC फाउंडेशन कंसीलर, नथिंग, इट्स द बेयर स्किन, नो मेकअप स्किन, ओनली द सनस्क्रीन एंड लिप बाम। सो नाउ लेट्स क्विकली सी द प्रोसेस। सो जब मैं छोटी थी माई मॉम यूज़ टू अप्लाई दिस पैक ऑन माई फुल बॉडी एंड मेक मी सिट अंडर द सनलाइट फॉर लाइक 30 मिनट्स एंड देन रब इट ऑफ जेंटली, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती थी। एंड दिस पैक इज़ मैजिकल, ट्रस्ट मी, दिस पैक इज़ मैजिकल। सो आई एम यूजिंग अ फ्लैट ब्रश टू अप्लाई दिस पैक, आप अपने फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर वॉट एवर यू यूज़ इट शुड बी कम्प्लीटली क्लीन। So now it's completely dry and I'm patting some water and then massaging it in a circular way. Just rub it gently and then wash it with the water. And this pack is for everyone, be a boy, be a girl, be children, old age people, work 100% on everyone. So I hope you like the pack. एक्चुअली अभी तो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप ट्राई ना करो, प्लीज़ इसे ट्राई करना एंड शेयर मी द रिजल्ट्स। यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
ट्राई दिस फ्रॉम टुडे टिल द 7 days बिकॉज इट्स अ 7 day चैलेंज. 7 days करो इसे डेली, मॉर्निंग में करो, छोड़ दो, फिर अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल आउट नहीं होता है. जब पूरा ड्राई हो जाए तो वॉश करो जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है. 7 days फॉलो करो, उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा सो दैट कुछ भी हम ट्राई करते हैं उसे थोड़ा दिन रेगुलर करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा गैप दे देना चाहिए. सो ट्राई दिस फॉर 7 days, टेक दिस एज अ चैलेंज एंड आई अश्योर यू यू वॉन्ट रिग्रेट डूइंग दिस. सो लेट मी नो व्हाट वॉज योर टेक ऑन दिस चैलेंज एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ योर रिजल्ट एंड आई अश्योर यू 100% रिजल्ट गारंटीड. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ स्किन स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट सो एवर, बट आई अश्योर यू दिस पैक बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस पैक सिंस एवर आई वॉज बॉर्न. सो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यू वॉन्ट रिग्रेट यूजिंग दिस टू. सो यार टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.